राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी बुधवार को कुचामन दौरे पर रहे। बता दें, किसान बिल को लेकर 3 दिवसीय नागौर दौरे पर महेंद्र चौधरी ने पहले दिन नागौर, कल मेड़ता, मकराना, परबसर में भी यहां किसानों के साथ में संवाद किया। बुधवार को कुचामन में राजकीय चिकित्सालय परिसर में यहाँ पर ब्लड बैंक का उप सचेतक ने शुभारम्भ किया, यहाँ पर शिलान्यास किया था। पिछले कई महीनों से इस कार्यक्रम को लेकर कोरोना काल के चलते यह निरस्त किया हुआ था, जो आज बुधवार को कुचामन राजकीय चिकित्सालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे। बता दें, 3 दिवसीय जो कांग्रेस का किसान संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, सभी जिलों में एक तरह से देखा जाए तो किसान बिल के विरोध में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर महेंद्र चौधरी यहाँ कुचामन में पहुँचे। सुबह प्रातः 11:15 बजे यहाँ पर कुचामन राजकीय चिकित्सालय में सर्वप्रथम यहाँ ब्लड बैंक का शिलान्यास किया। इस मौके पर हॉस्पिटल जो चिकित्सालय प्रभारी है शकील राव, डॉक्टर वीके गुप्ता, वो भी मौजूद रहे। साथ ही कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ पर उपस्थित रहे। महेंद्र चौधरी ने कुचामन राजकीय चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये इमरजेंसी सेवाएं का जो वार्ड है, यहां पर डॉक्टर द्वारा एक मरीज का यहां इलाज किया जा रहा है। सबसे बढ़िया है इसमें रोशनी का कोई लफड़ा नहीं, और आपसे पूरी आदत के लायक अधिकारियों की मीटिंग लीजिए। हमने जिले के अधिकारियों की मीटिंग ली, जिले का कलेक्टर हो चाहे जिले के SP हो चाहे जिले के जो भी जिले लेवल के जो अधिकारी है, उनको सबको बैठाकर उस जिले का जो MLA MP जो भी है उन सबको बैठाकर हमने मीटिंग ली। उस मीटिंग के अंदर और मीटिंग लेकर आपको कहना चाहता हूँ, हमने जो बात आपको कही उनको भी कही। चामन शहर में निजी शिक्षण संस्थान ने उप सचेतक को एक ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर अवगत कराया कि पिछले काफ़ी समय से करीब 10 महीने हो चुके हैं कोरोना काल को लेकर सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं, जिसको लेकर यहां पर उप सचेतक से सभी ने ये मांग रखी कि अब शिक्षण संस्थानों को जल्द सरकार से अनुमति दिलाई जाए खोलने की, ताकि निकट भविष्य में एक बार फिर जो लाखों विद्यार्थियों का जो भविष्य है जो खराब हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही जन सुनवाई का कार्यक्रम होगा। सरकार ने किसानों के विरोध के अंदर जो 3 बिल लेके आई है, उस बिल को लेकर पूरे देश में बहुत आक्रोश है, किसान बहुत आंदोलित है। सर्दी के इस मौसम के अंदर दर्जनों किसान की वहाँ मौत हो चुकी है, लेकिन 2 व्यक्ति जो देश का शासन चला रहे हैं उन्होंने हठधर्मिता पकड़ रखी है कि किसान से बात करने को भी तैयार नहीं है। किसान के बिल वापस विरोध के अंदर जो किसान कह रहे हैं उसको बिलों को वापस तैयार वो लेने के तैयार नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कोई छोटी व्यक्ति नहीं होता है, 4 स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने समय मांग रखा है राष्ट्रपति जी से कि आप हमें सुनिए, हमारे बोलने का अधिकार है। राजस्थान की सरकार, जिस भी सरकार के CM है, वो अपनी बात वहां कहना चाहते हैं, करना न करना आपके हाथ में, लेकिन सुने तो सही, उनको मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली की सरकार ने बिल पास किया, राजस्थान की सरकार ने उस बिल को लौटा दिया, हमने वापस चेंज करके भेज दिया विधानसभा में पास करके, गवर्नर मोदी उसको साइन ही नहीं कर रहे अभी तक। ये काहे का लोकतंत्र है, काहे का शासन है, किस प्रकार का इनका देश की जो जनता चल रही है। हमारा पुरजोर विरोध है इन बिलों के लेकर, और 2014 के अंदर भी सरकार को झुकना पड़ा था, राहुल गांधी जी ने उस वक्त भी भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया था, अभी भी हम लोग उसके कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस बिलों के विरोध के अंदर है। और ये अभी तो हम लोग यहाँ संवाद कर रहे हैं, किसानों से चर्चा कर रहे हैं, और इन्होंने ऐसे वक्त के अंदर बिल लेके आई, ये पार्टी इनको पता है कोरोना में किसान आंदोलन नहीं कर पाएगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और आनंद फानंद में हम लोकसभा में राज्यसभा में इस बिलों को पास करा लेंगे।
लेकिन इस प्रकार से चलता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर किसान आंदोलित हो चुका है, पूरी तैयारी कर चुका है और नागौर के किसान ने भी हुंकार भर ली है और नागौर का किसान भी पूरे देश के किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार आवश्यकता पड़ेगी तो सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा तो तैयार है, पीछे नहीं हटेगा और इन बिलों को इस सरकार को वापस हर हालत के अंदर इन बिलों को वापस लेना ही लेना पड़ेगा। उसके लिए तो मैं कुचामन हो, नावा शहर हो, चाहे रूरल एरिया हो, मेरा ये प्रयास रहता है कि जब भी घोषणा पत्र लागू होता है तो मैं मेरे इस एरिए की कोई ना कोई बात को जुड़ाने का प्रयास करता हूँ। मुख्यमंत्री जब बजट पेश करते हैं तब भी मैं चाहता हूँ मैं कोई ना कोई घोषणा हमारे शहर के लिए हो, हमारे रूरल एरिया के लिए हो, हमारे किसानों के लिए हो और हमारे गरीब लोगों के लिए, उत्थान के लिए हो या 36 कौम के विकास के लिए जो भी चीज़ हो सकती है मैं कराने की अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूँ। इस कुचामन के लिए पहले मैंने 100 से 150 बेड में हॉस्पिटल कर्मरत कराया, फिर अभी आपके जो एडीएम कार्यालय खुलवा दिया, अब ये ब्लड बैंक की घोषणा करवा दी, नवा के अंदर हॉस्पिटल कर्मरत करवा दिया, वहाँ पर भूमि विकास बैंक खुला दिया, एससी के छात्रों के लिए 1 करोड़ का छात्रावास खुलवा दिया, कितनी न जाने हाईवे, कितनी सड़कें, कितने उपस्वास्थ्य केंद्र, 2 इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुलवा दी, या कुचामन के अंदर पीएचडी का एक्शन ऑफिस खुलवा दिया, कुचामन में बिजली का एक्शन ऑफिस खुलवा दिया, कितने मैंने यहाँ पर विकास किया है जो आप लोगों के सामने क्या है। और भी अगर कोई मेरा जब भी कोई मौका सरकार के द्वारा जब भी कोई चीज पेश की जाएगी तो हम विकास के मामले में पीछे नहीं रहेंगे। सर मुख्यमंत्री जी तो एक ऐसे सादगी वाले व्यक्ति हैं, पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सरकार का उन्होंने वादा किया था, उस वादे के ऊपर सरकार काम कर रही है और मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई थी और उस मंत्रिपरिषद की मीटिंग में अब से पहले जब भी नागौर और झुंझुनू का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था, इसलिए जो ट्रांसफर्स की बात थी वो उठ नहीं पाई थी। मुझे पहली बार मौका मिला था, मैंने नागौर और टीचर्स के शिक्षकों के कम से कम व्याख्याता या प्रिंसिपल के इनके ट्रांसफर तो खोले, ये मैंने मंत्रिपरिषद में मीटिंग में बात उठाई। 6 जिलों के दौरे करने के आने के बाद के अंदर जो ग्रास रूट पे किस प्रकार की कमियां हैं, उपलब्धियां तो हम बताते बताते उपलब्धियां तो सरकार की इतनी है, गलत सामने की जितनी गिनाए उतने कम है, लेकिन कहीं पर कमी है तो उसको हम सुधारने की किस प्रकार से अजय माकन जी की मौजूदगी में, रोटासरा जी की मौजूदगी में हमने वो वहां पर बात को उठाया मंत्रिपरिषद में, तो वहां पर मोटे तौर के ऊपर बात आई कि मंत्रियों को अपने गेट खुले रखने चाहिए, जन सुनवाई करनी चाहिए, समय तक करना चाहिए ताकि जनता की जो है बात को सुन सके। सबसे पहले मैं ही था जब मैंने पूरे दिन भर द्वार खोल के और लोगों से मैं पूरे दिन 12 घंटे तक मैंने वहां पर सुनवाई करी और उसके बाद में जैसे मेरे पास में जोधपुर, पाली और सिरोही, सीकर, चूरू और झुंझुनू का दौरा खत्म मैंने कर चुका था, नागौर के अंदर मुझे भेजा गया और नागौर में मैं आने के बाद के अंदर जिस प्रकार मुझे प्रोग्राम जारी करते 1 घंटे मैंने प्रोग्राम जारी कर दिया, मेड़ता हो चाहे नागौर हो, हेडक्वार्टर के ऊपर मैंने पीसी करी, मेड़ता में करी, मकराना के अंदर करी, परबसर में करी, आज कुचामन में कर रहा हूँ। अभी अभी और मिनिस्टर्स तो अभी आज निकले लेकिन मैं मेरा दौरा आज पूरा कंप्लीट कर चुका। किस प्रकार आप इकट्ठा कर पाएंगे? देखिए चुनाव आ रहा है, मैंने अपील अभी सार्वजनिक रूप से भी जनता के बीच में करी है कि जिस कुचामन को मैं उप तहसील से तहसील, तहसील से एसडीएम, एसडीएम से एडीएम लेके गया और जनता मुझसे बहुत उम्मीद करती है तो मैं भी चाहता हूँ कि जनता, हम भी जो कहें जनता उस बात को स्वीकार करें। मैंने जनता से आज अपील करी है कि कुचामन का बोर्ड अब की बार वो कांग्रेस का बना के दें ताकि मैं आगे आपके जो रुके हुए विकास के काम है उनको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूं। रही बात सेना की, तो सेना कांग्रेस की सेना मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों का, पत्रकार साथियों का भी हम समर्थन चाहेंगे, सहयोग चाहेंगे और सभी एनजीओ का या सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका सबसे अपील करेंगे कि वो अपने एक राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर इस कुचामन के विकास के लिए कुछ इस प्रकार का कदम उठाएं ताकि यहाँ पर बोर्ड कांग्रेस का बनेगा तो निश्चित रूप से मैं भी कोई बात को दमदार तरीके से आगे रख पाऊंगा और इस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा बनाने का हमेशा वादा नहीं करता। किसी भी चीज के लिए मैंने वादा नहीं किया, न तो आज कोई मंच के माध्यम से किया है, न कोई मैंने घोषणा पत्र के माध्यम से किया, न मैं ये नहीं कि मुझसे कोई कह गया मैं उसको हाँ भर ली, मैं आज भी जनता बीच में सुनता हूँ, बात करता हूँ तो मैं मेरे तरफ से ज्यादा क्षेत्र में विकास करने की कोशिश करता हूँ, मैं काम करके उसके बाद में जनता के बीच में आता हूँ, न कि लोगों को पहले बुलाता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, कोई हाँ भरता हूँ वो नहीं करता। मेरे काम में वाई वाई लेने का भी मैं कम कोशिश करता हूँ, मैं काम को क्रियान्वित देने की ज्यादा कोशिश करता हूँ, उसी कदम में मेरे कदम बढ़ाए की रखने की कोशिश। सर बम्मा सर से कई इलाज हो रहे थे? बम्मा सर अच्छा की योजना की बात मेरे को कई जगह और भी मिली, कल मैं परवसर में था वहाँ पर भी ये बात आई है, यहाँ पर भी आई है, तो मैं इसके बारे में अधिकारियों से हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। सेंट्रल सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं बंद करने की वजह से वहाँ पर भी बड़ी तकलीफ आ रही है, वो भी हमने कई बार मुख्यमंत्री जी ने सरकार को भी लिखा है और सरकार से जो भी काम होगा हम करने के लिए तैयार है। चुनाव में हमेशा देखिए अब की बार चुनाव हुआ, पहले कोटा में हुआ, फिर जयपुर में हुआ, फिर जोधपुर के अंदर हुआ, उसमें 6 में से 4 बोर्ड कांग्रेस पार्टी के बने और उसके बाद में पंचायत राज का चुनाव आया। पंचायत राज के चुनाव में भी हालांकि कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंट जो है 1% भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को वोट बैंक ज्यादा मिला है, लेकिन कम मार्जिन से सीटें हारने की वजह से जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं मिल पाई, इसको स्वीकारने में हमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन फिर नगर पालिका के चुनाव आए, 50 सीटों में से 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी तो मात्र 12 सीटों पर सलट गई है, और आने वाले जो नगर पालिका के और चुनाव होंगे प्रदेश में उसमें भी कांग्रेस का परचम लहराया। सर 9 में ना कृषि मंडी जो घोषणा हुई थी बजट में, कब तक खुलेगा? ताकि शीघ्र ही हो रहा है, कोविड की वजह से कुछ घोषणाएं जो करी हुई थी वो आर्थिक संकट की वजह से कुछ थोड़ी सी टाइम लग गया जैसे, लेकिन वो जल्दी शीघ्र ही हो जाएगी।